दोस्तों बहुत सारे भाइयों का एक क्वेश्चन है कि क्या मैं डेली वीडियो अपलोड करूं या फिर मैं कुछ दिन छोड़कर अपलोड करूं या फिर मैं वीक में दो वीडियो अपलोड करूं या मंथ में एक वीडियो अपलोड करूं, किस तरीके से मतलब मैं वीडियो अपलोड करूं जिससे हमारा चैनल परफेक्टली चलता रहे या फिर मैं डेली बाई डेली वीडियो अपलोड करूं। तो दोस्तों इसी के बारे में पूरी फुल वीडियो होने वाली है कि आखिर अगर आप डेली वीडियोज अपलोड करते हो तो आपको उससे क्या प्रॉफिट हो सकता है और क्या उससे आपको लॉस हो सकता है। ठीक है, तो दोनों चीजें इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। आई होप सो कि आपको भी ये चीज जाननी होगी क्योंकि आप भी YouTube क्रिएटर हो। सिंपल सी बात है, अगर आप हमारे वीडियो पर आए हो तो ना आप जो क्रिएटर ही हो तभी तो आए हो ना, नहीं तो आप इस तरीके की वीडियो देखते ही नहीं। तो आप भी क्रिएटर और आपको भी ये जानना है कि अगर हम डेली वीडियो YouTube पर अपलोड करते हैं तो इससे हमें क्या बेनिफिट हो सकता है और क्या लॉस हो सकता है। चलिए इस चीज को हम जानना शुरू करते हैं और वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो वीडियो स्टार्ट करूं उससे पहले वीडियो को फटाक से एक लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को ऑल पर दबा लो ताकि जब वीडियो आए तो उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच जाए और आप उस वीडियो को वॉच कर पाओ। चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों देखिए, अब ऐसा है, इसमें ना एक अलग चीज बैठ जाती है। क्या बैठ जाती है? आपको ना इसमें कुछ कैटेगरी सिलेक्ट करनी होती है। लाइक मान लीजिए कि आपका कोई एजुकेशनल चैनल है, यानी कि आप एज अ टीचर यूट्यूब पर काम करते हो, आप पढ़ाते हो, ठीक है, एजुकेशन कैटेगरी का आपका चैनल है। अब अगर एजुकेशन कैटेगरी का आपका चैनल है और उस पर आप डेली वीडियो अपलोड करते हो तो दोस्तों आपसे आपकी जो ऑडियंस है वो ज्यादा एंगेज करेगी, क्योंकि क्या होगा कि उस चैनल पर जो बच्चे हैं वो पढ़ने के लिए आते हैं, ठीक है, पढ़ने के लिए आते हैं, और जब उन्हें डेली पढ़ने को कुछ ना कुछ अलग सीखने को मिलेगा तो वो आपकी वीडियो को ज्यादा देखेंगे, और जब ज्यादा देखेंगे तो आपके चैनल को डेफिनेटली प्रॉफिट होगा ही होगा। ठीक है, तो अगर एजुकेशनल कैटेगरी में अगर आप काम कर रहे हो तो आप डेली वीडियो अपलोड करोगे तो आपको उससे कोई भी लॉस नहीं होने वाला है। ठीक है, आपको डेली वीडियो अपलोड करनी ही करनी चाहिए, ठीक है, और लाइव स्ट्रीमिंग भी करनी चाहिए, क्योंकि दोस्तों उससे क्या कि लाइव पर आपसे बच्चे पढ़ते हैं और लाइव से अच्छी खासी रीच भी बढ़ती है। ठीक है, तो दोस्तों इस तरीके से अगर आप एजुकेशन पर काम करते हो तो आप डेली वीडियो अपलोड करो, आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट होगा और इसमें लॉस कुछ भी नहीं है। अब दोस्तों एक कैटेगरी और आती है, ब्लॉग कैटेगरी। अब इसमें क्या कि बहुत सारे लोग ना ब्लॉगिंग करते हैं। देखिए ब्लॉगिंग में दोनों चीजें हो जाती हैं, ब्लॉगिंग में आप डेली कंटेंट भी दे सकते हो और जो है गैप करके भी कंटेंट दे सकते हो। अब कैसे, देखिए मान लीजिए अगर आप कोई ट्रैवल ब्लॉग करते हो, ठीक है, ट्रैवलिंग करते हो या फिर आप जो है कुछ भी करते हो, क्या बोलते हैं वो मोटर राइडिंग होती है, क्या होती है, अगर वो करते हो तो फिर आप उसमें डेली अगर वीडियो नहीं भी देते हो तब भी आपके चैनल को कोई नुकसान नहीं होगा। ठीक है, लेकिन अगर आप ट्रैवलिंग करते हो, मोटो ब्लॉगिंग करते हो तो फिर आप डेली ब्लॉग अगर नहीं दोगे तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आप ब्लॉग बनाते हो और डेली लाइफस्टाइल ब्लॉग बनाते हो तो आपको डेली वीडियो देनी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि जो आपकी ऑडियंस होती है ना वो आपसे कनेक्टेड हो जाती है, उसके अंदर जो क्यूरियोसिटी रहती है वो जानना चाहती है कि आपका आज का दिन कैसा बीता, आपका आपने आज पूरे दिन में क्या क्या किया। तो इस तरीके से बहुत सारी चीजें होती है जिससे आपकी ऑडियंस कनेक्ट हो जाती है। तो अगर आप ब्लॉगिंग कैटेगरी में काम कर रहे हो तो फिर आपको, अगर आप डेली लाइफ ब्लॉग करते हो तो आपको डेली करनी है वीडियो अपलोड। ठीक है, आपके चैनल पर कोई दिक्कत नहीं होगी। अरे उसी की बात, अगर डेली ब्लॉग करते हो तो अपलोड डेली करने पड़ेंगे। ठीक है, क्योंकि आप अगर डेली अपलोड नहीं करोगे तो फिर आपकी ऑडियंस दूर हो जाएगी। लेकिन अब ये जो ट्रैवलिंग वाले ब्लॉग हैं इनमें आप डेली नहीं कर सकते, आपको ट्रैवल करना होता है, ठीक है, इधर गए उधर गए घूम रहे हो दिखा रहे हो तो उसमें बहुत सारा समय लगता है। तो आप उसमें वीक में दो वीडियो भी अपलोड कर सकते हो इजिली। ठीक है, तो ब्लॉग कैटेगरी की आई होप की कंफर्म हो चुकी है। अब इसमें एक कैटेगरी और आती है, टेक कैटेगरी। ठीक है, टेक कैटेगरी में वैसे हम भी अपने आप को काउंट करते हैं क्योंकि हमने भी टेक कैटेगरी में बहुत काम किया है। ठीक है, लेकिन अब मैं यूट्यूब टिप्स पर आ गया हूँ। ठीक है, टेक कैटेगरी में क्या कि रोज रोज नए मोबाइल लॉन्च होते हैं, रोज नए iOS वर्जन आते हैं, रोज पता नहीं क्या क्या, मतलब टेक में तो लॉन्च होता ही रहता है यार। और जो टेक रिलेटेड वीडियो देखना चाहता है ना उसके अंदर बहुत ज्यादा इंटरेस्ट होता है टेक देखने का। ठीक है, क्योंकि टेक में क्या है कि हर रोज नई नई चीजें आती हैं और जिसको इंटरेस्ट होता है ना वो सीखने के लिए उतावला रहता है, वो हमेशा सीखता है। तो आप डेली वीडियो टेक कैटेगरी पर अगर अपलोड करते हो तो आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट होगा, उससे कोई भी लॉस नहीं होगा। ठीक है, अब आ जाते हैं यूट्यूब टिप्स वाली वीडियो पर। ठीक है, जो कि मैं बनाता हूं। अब दोस्तों यूट्यूब टिप्स में क्या है कि यूट्यूब टिप्स वाली भी सेम सिचुएशन है, इसमें भी आप वीडियो डेली अपलोड कर भी सकते हो और नहीं भी कर सकते हो। ये आपको क्या करना है, आपको बनाना है अपने हिसाब से अपना चैनल। देखिए जब आप स्टार्टिंग में चैनल अपना बनाते हो तो आप क्या करते हो कि जल्दबाजी में डेली कंटेंट अपलोड करते हो, एक दिन में तीन तीन वीडियो अपलोड करते हो और बाद में आपके पास कॉन्टेंट हो जाता है खत्म। और जब कॉन्टेंट खत्म हो जाता है फिर आप परेशान रहते हो और गैप करने लगते हो। जब गैप करने लगते हो और आपकी ऑडियंस डेली वीडियो देखने वाली होती है
तो फिर आपका चैनल डाउन हो जाता है, ठीक है। तो इसलिए आप अगर YouTube टिप्स वाली कैटेगरी पर काम कर रहे हो तो आपको स्टार्टिंग से ही अपना मेंटेन करके चलना है कि आप डेली किस चीज़ को प्रोवाइड करा सकते हो या नहीं, ठीक है। अगर आप डेली करा सकते हो तब तो ठीक है, नहीं तो फिर आप स्टार्टिंग से ही अपना रूटीन बनाओ कि दो दिन गैप करके डालना है, तीन दिन गैप करके डालना है या डेली डालना है, वो आपके ऊपर डिपेंड है, ठीक है। अब दोस्तों ये हो गई कुछ कैटेगरी जिनमें आप जो है डेली वीडियोस डाल सकते हो, इनमें आपको लॉस कुछ नहीं है, प्रॉफिट ही है, ठीक है। अब कुछ कैटेगरी ऐसी हैं कि जिनमें आप चाहे कर भी डेली वीडियो नहीं डाल सकते हो, लाइक एंटरटेनमेंट कैटेगरी, ठीक है, कॉमेडी कैटेगरी, ठीक है। ये कैटेगरी ऐसी हैं कि इनमें आप डेली वीडियोस नहीं डाल सकते हो, क्यों? क्योंकि इनमें शूट करने में आपको दो चार दिन लग जाते हैं, जब आप शूट करते हो, एडिट करते हो, तब अपलोड कर पाते हो, ठीक है। मेरा भी खुद का ऐसा एक चैनल है, आपको पता होगा आयोग की, पारस बुंदेलखंडी नाम है उसका, सर्च कर लीजिएगा यूट्यूब पर, टॉप पर मिलेगा आपको, ठीक है। मेरा प्रोफाइल लगा होगा या फिर लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो वहां से भी विजिट कर सकते हो। वहां पर शॉर्ट फिल्म, एल्बम, सॉन्ग वगैरह मैं क्रिएट करता हूं, यानी कि बनाता हूं, ठीक है। तो अगर आप एंटरटेनमेंट, कॉमेडी, ठीक है, इस तरीके की कैटेगरी में काम करते हैं जिसमें आपको शूट करने में दो चार दिन लग जाते हैं, तो फिर आप इसमें रूटीन बना सकते हो कि आप वीक में एक वीडियो अपलोड करो, कोई एक डे फिक्स कर लो कि भाई इस दिन वीडियो आनी है इतने टाइम, तो आपकी ऑडियंस वेट करती है कि भाई इतने टाइम इसकी वीडियो आएगी, ठीक है। तो मुझे मतलब जो भी उनका काम होता है वो खत्म करके बैठता है। जैसे अभी की डेट में देख लो ना, बहुत सारे क्रिएटर हमारे यहाँ के, ठीक है, जैसे किंग्स ऑफ बेबर हैं, ठीक है, हमारे मित्र हैं, तो उनकी भी वीडियो काफ़ी अच्छी आते हैं। तो हम सब लोग घर पर जो है हमारा पूरी फुल फैमिली बैठ कर देखते हैं, दम मृदुल हो गए, ठीक है, बहुत अच्छे वीडियोज़ बनाते हैं, तो सबकी उनकी वीडियो देखने के लिए हम लोगों की क्यूरियोसिटी रहती है कि भाई कब इनकी वीडियो आएगी, हम देखेंगे, ठीक है। मैं भी देखता हूँ, अभी भी देखता हूँ, ठीक है। तो ये कुछ कैटेगरी हैं जिनमें आप क्या कर सकते हो कि वीक में एक वीडियो आसानी से डाल सकते हो, ठीक है, एडिट करके आराम से शूट करो सात दिन के अंदर और एक दिन अपना फिक्स करके वीडियो अपलोड करो, ठीक है। तो कुछ ऐसी कैटेगरी हैं जो मैंने आपको बताया कि आप डेली इन पर वीडियो अपलोड करो, कोई नुकसान नहीं, बेनिफिट ही बेनिफिट है। कुछ ऐसी कैटेगरी है जिनमें आप चाहे कर भी डेली वीडियो नहीं डाल सकते हो, ठीक है। तो वैसे अगर ओवरऑल बात बताऊं कि भाई यूट्यूब पर अगर डेली वीडियो डालूं तो क्या होगा, तो दोस्तों ओवरऑल अगर आप डेली वीडियो अपलोड करते हो किसी भी कैटेगरी पर तो आपका कोई भी लॉस नहीं है, ठीक है, कोई भी लॉस जो है नहीं है, सिर्फ बेनिफिट ही बेनिफिट है। क्योंकि जितने ज़्यादा वीडियो अपलोड होते हैं उतनी ऑडियंस ज़्यादा आती है, ज़्यादा एंगेज होती है और ज़्यादा सब्सक्राइबर मिलते हैं, ज़्यादा व्यूज मिलते हैं, तो आपका चैनल आगे चलता रहता है, कोई दिक्कत नहीं होती, चैनल डाउन नहीं होता है, ठीक है। आई होप सो कि क्लियर हो गया होगा कि अगर आप डेली वीडियोज अपलोड करते हो तो आपको कितना ज़्यादा बेनिफिट होने वाला है। चलिए दोस्तों, आशा करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी, पसंद आई है वीडियो तो वीडियो को एक लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को ऑल पर दबा लेना। और संडे की होने के लिए अगर आपको कुछ पूछना है तो नीचे जो है मैंने कम्युनिटी में डाल दिया है, मतलब नीचे नहीं कम्युनिटी में डाल दिया है, जाना वहाँ पर अपना क्वेश्चन कर लेना, संडे को संडे की होने वीडियो आएगी तो उस पर जो है आपका क्वेश्चन पिक कर लिया जाएगा। सो चलिए दोस्तों मिलते हैं फिर, तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिएगा और बस काम करते रहिए अच्छे से, मेहनत से, लगन से। वंदे मातरम, जय हिंद।